नवरात्रि खत्म होने से पहले मुझे सौम्या को ढूंढना होगा, वरना वो कभी भी अपनी माँ के पास वापस नहीं जा पाएगी। दिल की आवाज ना बहुत दूर तक जाती है, जैसे कि एक शो कर रहा हूँ मैं अभी, बिग बॉस, और उस शो में हमने इस बार दिल से इंडिया वालों को इनवाइट किया है कि ये घर आपका है। और पता है क्या हुआ कि इंडिया के कोने कोने से उन्होंने हमारी दिल की बात सुनी और वो दौड़ते चले आए, क्योंकि हमारे जो इरादे थे ना वो पक्के थे। पर सौम्या का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बहुत पास आकर भी बहुत दूर है वो मुझसे। जब दिल की आवाज से ना अनजान लोग खींचे चले आते हैं, ये तो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बीवी है, वाइफ है तुम्हारी, अगर उसका प्यार सच्चा है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो जरूर आ जाएगी वापस। एक एक क्लीशेड डायलॉग सुन लो मुझसे, कि अगर सौम्या सात समुंदर पार भी हुई ना, तो तुम्हारी दिल की आवाज सुनकर खींची चली आएगी। आप ये सब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हैं? अजय बाप बताओ, नवरात्रि चल रहे हैं, कोई मन्नत मांगा? मांगी क्या? कि सौम्या वापस आ जाए। बस तो फिर विश्वास करो, बिलीव, यकीन रखो। सर आपका शॉट रेडी है। आ रहा हूँ, इसको मैं बहुत ही लाइट अंदाज में लेके गया हूँ, लेकिन बात बहुत गहरी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसका इंतजार कर रही हो? जो कहा वो सुना नहीं? जाओ, निकल जाओ यहां से। तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे। करीना, इनको जाके बाहर निकाल दो और दरवाजा बंद कर लो। जाओ। लोग भी सो जाओ। हाँ, याद रहे कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, समझी? ओए हरमन, जिसने तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया है, कोई सही कहूं ना तो तुझे बिगाड़ा है। आज वो प्रीतो पापी तेरी वजह से ना बहुत परेशान है। कल पूरे पिंड के सामने ना हमारे परिवार की नाक कटने वाली है, और लोग आके सवाल पूछेंगे तेरी वोटी के बारे में। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है उनको देने के लिए, और तू है कि सौम्या को लेकर आऊंगा कि रट लगा के बैठा।
कोई फिक्र नहीं है तुझे? अच्छा अच्छे फिक्र है, तभी तो सौम्या को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तू सौम्या को ढूंढ कर वापस इधर लाएगा? नहीं यार चाचे, उसका जीना आराम थोड़ी करना है, उसे बस ढूंढ के उसकी माँ के पास पहुंचाना है बस। हरमन कब तक सड़कों की खाक छानता रहेगा तू यार, नहीं मिलने वाली वो। नहीं चाचे, उसके मिलने का इंतजार मेरी कोशिशों से बड़ा नहीं हो सकता, उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा थक जरूर गया हूं पर हारा नहीं चाचे, तू नहीं समझेगा, सन्नो चाची कभी तुझसे इतना दूर नहीं गई ना। हरमन एक बात कहता हूं ध्यान से सुन, कल पूरे पिंड के सामने जे अगर हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई ना, और बाकियों का मैनू पता नहीं है, जो तेरा बाप है ना हरक सिंह, उसने अपनी जान दे देनी है, इतना ध्यान रखना। हरमन पहले तो बेमतलब बिना किसी जुर्म के जेल जाता था, अब तो सच में गुनहगार बन गया, सौम्या का, मम्मी जी का, सुरभि का, अपनी माँ का और अपने बाप का और खुद का भी। आवाज किधर से आ रही है? उसको खाना बना के खा रही होगी। कितनी स्वार्थी है ये, उनको तीखा खाना खिलाया और खुद अच्छा अच्छा खाना बना रही है। कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की, ना ही उससे पूछने की कि वो क्या कर रही है। जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा ना, वो रसोई से बाहर आ जाएगी, पता चल जाएगा वो क्या कर रही थी। आज तो इसका पर्दाफाश करना ही है। अब देखते हैं मल्लिका जीजी इसका कैसे बख्श लेती है। बड़ी लाडली बनती फिरती है ना ये। चल, चल, चलो। पूरी करती है मेरी भी एक अरदास है, सुन लीजिए, अगर आपने सही टाइम पे मदद कर दी होती तो सौम्या मिल जाती, पर अब बात मेरे मां बाप की इज्जत पे आ गई, सोच रहा हूं कल सबके सामने बता दूं कि सौम्या किन्नर है।
और उससे शादी करने का इल्जाम अपने सर पर ले लूं, क्योंकि हरमन की इज्जत हरक सिंह की इज्जत से बड़ी नहीं। गालियां और ताने सुन लूंगा, पर अपने मां बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। बाद में जो भी होगा आप ही को संभालना है। हमारा बेटा हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगाने चला है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी भी होने नहीं दूंगी। जो सोचा था अब वो करने का वक्त आ गया। अपने लिए खाना बना रही थी और वो भी हमारे सोने के बाद, ताकि हमें पता नहीं चले। इतनी रात को क्या शोर मचा रखा है, क्या हुआ? आप ही देख लीजिए मल्लिका दीदी। क्या देख लूं? कैसी स्वार्थी है ये दीदी, हमें मिर्ची वाला खाना खिला के खुद अच्छा अच्छा खाना बना के खा रही है किचन में। जी, मैं खाना नहीं खा रही थी, मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा आप सभी को भी भूख लगी होगी, इसीलिए सबके लिए खाना बना रही थी। माँ कहती है कि किसी को भूखा रखना बहुत बड़ा पाप होता है। मेरी वजह से आप भूखे रह गए ना, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद आप मुझे कोसें। ये एक रात मैंने आप लोगों को खाना नहीं दिया। खाना तैयार है, आप लोग खा लीजिए। तुम सबको नहीं खाना है तो मत खाओ, मेरे पेट पे तो चूहे दौड़ रहे हैं। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, खाना खाओ। आप अपने आप को माँ जैसी कहती हैं, भला कोई माँ अपने बच्चों को इतनी रात को घर से बाहर निकालती है? पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, पता नहीं उन लोगों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। माना कि मैं यहाँ खुश नहीं हूं, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो। आपने उन्हें सजा क्यों दी? सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। यही तो तुम्हारी सजा है कि तुम घर के अंदर हो। अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बहुत फिक्र है ना उन दोनों की। जाओ दरवाजा खोल कर देखो, वहीं बैठी होंगी बाहर, कहीं नहीं जाएंगी। जाओ देखो, कहीं नहीं जाएंगी।
हमारे सिवा इस दुनिया में उनका है ही कौन? जाओ देखो। आप लोग प्लीज अंदर चलिए ना, मल्लिका दीदी ने मुझसे कहा है दरवाजा खोलने के लिए। चलिए ना। चल 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 सच्ची आइए। रुको वहीं। रानी, रवीना, खाना बुरा बन सकता है लेकिन अपनों का अपमान करना उससे भी बुरा है। ये बात तुम दोनों अच्छे ढंग से भी कर सकती हो। चलो माफी मांगो तराना से। नहीं नहीं जी, मुझे माफी की जरूरत नहीं। रानी, रवीना, मैंने कहा ना माफी मांगो तराना से, वरना वापस दरवाजे के बाहर चली जाओ। माफ कर दो तराना, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे। चलो खाना खा लो और सो जाओ। तराना, तुझे ये बेइज्जती ना बहुत महंगी पड़ेगी। सूद समेत बदला लूंगी मैं तुझसे। छोटी मम्मी जी, एक गल दसो मैनू, ये बड़ी मम्मी जी कित्थे हैं? मैनू की पता, मैंने भी एक्चुअली देखा नहीं उन्हें सवेरे से। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं कुछ नहीं। ये तो जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा हो रहा है। बस आज की पूजा में जो होने वाला है माता रानी वो एग्जैक्टली हो जाए तो अपनी तो बल्ले बल्ले है। आइए आइए, आज ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि सप्तमी की सुबह सुबह आपने अपने दर्शन दे दिए? काम तो खास ही है जी। प्रीतो जी, होया की है, दसो ते सही। हाँ दसो जी। गल ऐसी है जी कि आज हमारे घर विच पूजा और परंपरा के हिसाब से नया जोड़ा ही बैठता है पूजा में। अब हमारे हरमन का जोड़ा तो किन्नर निकला। लोगों के जो सवाल उठेंगे कि हरमंदी वो टीका है, हरमंदी वो टीका है, उसका तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होना है आज। हाँ, पर आप ही ने तो उसे भेजा है जहाँ उसे होना चाहिए था। अब इसका हल तो आप ही निकालिए ना, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी मुसीबत हमारे मत्थे मान ली है आप लोगों ने, तो भरपाई भी आप लोगों को ही करनी होगी। मतलब ए है जी कि पूजा तो होगी और हरमन बैठेगा भी इस पूजा में अपनी पोती के साथ ही। लेकिन सौम्या ने आपकी छोटी बेटी छोटी बेटी को सौम्या कर हरमन के साथ इस पूजा में बैठा होगा।
क्या हुआ? आप लोग इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? चलिए तैयारी करिए और अपनी छोटी बेटी सूरभि को हमारे साथ भेजिए। बस प्रीता जी बस। सूरभि कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? जब आपके खानदान की इज्जत के लिए मेरा बेटा उस कलसी की गोद भराई में जा सकता है तो आपकी बेटी मेरे घर क्यों नहीं आ सकती? आंटी जी मैं बस चुप। भाई बीच में नहीं बोलेगा। एक मिनट, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बेटी इस घर से बाहर नहीं जाएगी, समझे आप? एक बात याद रख मनिंदर, कर हमारी इज्जत गई अगर हम पर कीचड़ उछला तो उसके दाग तुम्हारे दामन पर भी लगे। बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बेटी के दिए दाग के साथ जी लूंगा मैं, लेकिन दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं। सूरभि सबसे दूर रहेगी। पागल हो गया तुम सब, पागल हो गया तुम। निमी समझा अपने पति को? हमें जो कहना था हमने कह दिया। आपको जो करना है करिए, जा सकती यहां से। चलिए साड़ी वाला साड़ी ले लो, डिजाइनर साड़ी ले लो, रागनी साड़ी ले लो, रागनी डिजाइनर साड़ी ले लो। अरे जल्दी आओ, साड़ी वाला आया, साड़ी वाला जल्दी आया। अरे जल्दी आओ तुम लोग। अरे अरे पिंड वाले मेरी किस्मत से जलते होंगे। ऐसा आपको लगता है जी? सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आप मुझे जाने दीजिए। अरे पर उन्हें पता कैसे चलेगा? अब मैं घर घर जाके ढिंडोरा पीट के तो नहीं कह सकता ना कि मेरी वट्टी सबसे खूबसूरत। तुम बस 2 महीने रुक जाओ, नवरात्रि के सप्तमी के दिन देख ले। सप्तमी तक? वो उस दिन हमारे यहाँ पिंड के सारे नए जोड़े आते हैं पूजा करने के। बस उस दिन मैं ढिंडोरा पीट के कहूंगा कि मेरी वोटी सबसे खूबसूरत है। पर ऐसा तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। ये हमारे पिंड की बहुत पुरानी प्रथा है। जब भी हमारे घर में नई शादी होती है
तो सप्तमी के दिन सारे नए जोड़े आते हैं और हमारे यहाँ पूजा करते हैं। एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया जाता है ये मानकर कि पति पत्नी का अपना एक संसार होता है, और फिर पहला निवाला अपने हाथों से उसे खिलाकर उसका दिन भर का व्रत तोड़ता है। दिन भर का व्रत? हरमन जी, वो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होती है जी। अगर मुझसे व्रत नहीं रखा गया तो कहीं आप बुरा तो नहीं मान लेंगे जी? अरे तुम मेरा कत्ल कर दो, फिर भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। सुनो, उस दिन भी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनना। हरमन जी, आप सामने नहीं पर हमेशा मेरे साथ हैं। मैं आज आपके लिए व्रत करूंगी। तराना, तू भी कोई अपनी पसंद की साड़ी खरीद ले। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोमिया, अब क्या हो गया तुझे? हरमन की याद आई? हाँ, उस वक्त नहीं पता था कि मैं एक औरत नहीं हूं, पर इस दिल ने उन यादों को एक औरत की तरह संजो कर रखा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार यही कहता है कि मैं एक औरत की तरह ही रहूं। क्या कहा उन्होंने प्रीत? कहना क्या है जी? अब कोई बेच खाई है जाहिलों ने। कहते जो करना है करो, बता दो लोगों को, ढिंडोरा पीट दो, लेकिन सिर भी को नहीं भेजेंगे। जी तो करता है सारे लोगों को आग लगा दू। एक मिनट चला दू। एक मिनट रानी, जोश से नहीं, ठंड रख। हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना है। कोई तो रास्ता होगा। एक काम करिए प्रीत, वही कुड़ी ले आइए आज के दिन के लिए। उसी को, सौम्या को। दिमाग तो ठीक है, बड़ी मुश्किल से हमारे बेटे के दिल से उसकी छाप धुंधली हो रही है और सामने लाके खड़ा कर दे। और क्या कहेंगे हरमन को कि हमें पता था कि ये कहाँ थी, फिर भी उसे नहीं पता। ना जी ना, लोगों के तानों के डर से मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती ना। एक तरफ इतने सालों का बनाया रसूख है, दूसरी तरफ पुत्र है। मैं दोनों को नहीं खोना चाहता। अजीब संकट है यार। प्रीत कुछ तो बोल यार, ना से ना प्रीत यार। कोई तो रास्ता होगा। अरे यार, कहाँ रह गया ये? कब आएगा? लो बुढ़े आया। ओ जी, की गल है? हाँ थोड़ा जल्दी बोलो, पता है ना सप्तमी है, कितना काम पड़ा है। और ठंड रख काके, ठंड रख, सब हो जाएगा। एफर्ट एडवांस रहेगा। आज शामी नू हरक सिंह से उसकी बहू के बारे में जितने सवाल पूछेगा ना, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ जी, तुसी बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा काम हो जाएगा। पर एक गल दसो जी,
ये हरक सिंह जी की बहू कई काम, और वो सब तुम्हारे मतलब की गल नहीं है। भोज के लाने को तो नहीं कहा ना, इतना कहा बस उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। और हाँ, एक गल जरूर दस देना कि घर की पूजा के बाद मंदिर की पूजा के लिए भी बहू को भेजते हैं। आखिर बहू का नाम ही तो लिखवा है ना मंदिर के संगे मरमर में। सोमिया ये ले, आज तेरे पहनने के लिए मैंने खरीदी है, और साथ में पूजा का सामान। तूने जो बताया था उसमें से मुझे जो समझ में आया मैंने खरीद लिया। पूजा के लिए इतना सामान तो काफी होगा। सुन, थोड़ी देर में सब लोग सप्तमी की पूजा के लिए मंदिर जाएंगे, उसी दौरान तू अपनी पूजा कर लेना। ना किसी को पता चलेगा, ना कोई सवाल करेगा। थैंक यू करीना दीदी। उस दिन भी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनना।